राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन कांग्रेस कार्यालय कसरावद में मनाया गया। आज गांधी जयंती के अवसर पर कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष शेरू यादव ने कहा कि अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी, जिन्हें हम बापू और राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित करते हैं, महापुरुष और स्वतंत्रता सेनानी थे। यदि हम कहें तो आज के भवन के निर्माण में गांधी जी का सर्वाधिक योगदान था, जो कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि भारत की स्वतंत्रता और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए उन्होंने सभी धर्मों के लोगों को एक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वहीं लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। कसरावद से अखिल खान की रिपोर्ट। गांधी जयंती है आज, गांधी जी के जो संदेश थे उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर सभी ब्लॉक कांग्रेस के कार्यकर्तागण, सम्मानीगण उपस्थित, आज 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ था। महात्मा गांधी जी ने जो अपने जीवन में देश के लिए संघर्ष किया, जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाने में बिना शस्त्र के एक लाठी के दम पर उन्होंने देश को आजादी दिलाई। गांधी जी ने देश में श्वासोद्धूत करने का काम किया, युवाओं को प्रेरणा दी। साथ में आज जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री सम्मानी लाल बहादुर शास्त्री जी, उनकी भी आज जयंती है। उस अवसर पर उन्होंने भी देश में हमारे जो सेना के जवान हैं और किसानों के प्रति उन्होंने एक नारा दिया था कि जय जवान जय किसान। मैं इस अवसर पर सभी हमारे यहाँ साथी आए, सबको धन्यवाद देता हूँ। आप सभी को जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।